नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ रौनक। नमस्ते जी, मैं बउआ। रणतंत्र देख रहे हैं आप और विराट कोहली भैया जरा इधर आके सामने बैठिए जरा। आज बातचीत करके मामला सुलटा ही लेते हैं। इससे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। क्या हो गया बउआ भाई, हुआ क्या? डेली डेली की भसूड़ी समझ नहीं आ रही है। हम जाती हुई सर्दी के मौसम में भी नहा धोकर तैयार होकर बैठते हैं इस उम्मीद में कि चीको भैया अपनी सेंचुरी मारेंगे। हाँ, वो बात तो सही है, लेकिन नहीं मार पा रहे हैं। अरे छोड़ो यार, जिन दोस्तों ने वामिका की फोटो शेयर की थी ना, गुस्से में आकर हमने उनको ब्लॉक भी कर दिया है कि आपको किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। लेकिन ये है क्या भाई साहब, मजा नहीं आ रहा है। हैं, मतलब साउथ अफ्रीका सीरीज में आप ऑफ साइड ऑफ स्टंप की गेंद पर बल्ला लगाकर आउट हो रहे थे, अब तो आप लेग साइड पर जाने वाली गेंदों पर भी विकेट दे रहे हो। मत करो कोहली भाई, दिल से बुरा लगता है, मत करो ऐसा। एक काम करते हैं बउआ भाई, शुरू से शुरू करते हैं। रोहित शर्मा ने टॉस जीता, कोहली की सेंचुरी के लिए बढ़िया सेटअप तैयार किया और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तीसरे मैच में टीम इंडिया तीसरी ओपनिंग जोड़ी के साथ उतरी। कल रोहित शर्मा के जोड़ीदार बने शिखर धवन। हिटमैन ने तीन करारे चौके लगाए, लेकिन फिर अल्जारी जोसेफ की गेंद पर बोल्ड हो गए। इधर क्रीज पर कोहली आए और उधर हमने पॉपकॉर्न भी मंगवा ली, ये सोचकर कि इंडिया सीरीज तो जीती गई है, कोई प्रेशर भी नहीं है। आज कोहली भाई 71वीं सेंचुरी जड़ देंगे। लेकिन 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 वैलेंटाइन वीक में किस डे से पहले ही विराट के बल्ले ने आउटसाइड लेग स्टंप जाती गेंद को किस कर दिया और कोहली भाई अपनी सेंचुरी से 100 रन दूर रह गए भाई साहब। इस सीरीज में ऐसा दूसरी बार हुआ है कि एक ही ओवर में अल्जारी जोसेफ ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के विकेट लिए और 10 ओवर खत्म होते होते शिखर धवन भी पवेलियन जा चुके थे। टीम इंडिया मुश्किल में लग रही थी, लेकिन फिर दिल्ली कैपिटल्स के पूर्व कप्तान श्रेयस अय्यर और करंट कप्तान ऋषभ पंत ने मिलकर इंडिया को मुसीबत से निकाला। दोनों ने अपनी अपनी हाफ सेंचुरी जड़ी। आज होने वाले ऑक्शन में यह बात तो तय है कि श्रेयस अय्यर बिना अमिताभ बच्चन के करोड़पति बनने वाला है। लेकिन कल की उनकी 80 रन की पारी ने ऐसा समझिए कि उनकी फाइनल प्राइज में 2-3 करोड़ का इजाफा तो कर ही दिया है। जब पंत और अय्यर आउट हुए तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया 250 भी नहीं बना पाएगी, लेकिन फिर दीपक चहर और वाशिंगटन सुंदर ने एक और साझेदारी करके 265 तक स्कोर पहुंचा दिया। टीम पूरे 50 ओवर खेलकर ऑल आउट हो गई और वेस्टइंडीज वालों को क्लीन स्वीप रोकने के लिए 266 का टारगेट मिला। आइए देखते हैं मलाड़ा। वैसे एक टारगेट मैं भी आपको दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक दिया है प्रोबो ऐप का, उसको डाउनलोड करना है, क्योंकि ये ऐप डाउनलोड करने के साथ ही आपके जीवन में जो उमंग और तरंग आएगी ना, उसका जवाब ही नहीं होगा। अब देखो, आज होने वाला है आईपीएल का मेगा ऑक्शन। सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है कि कौन सी टीम कौन से खिलाड़ी को अपने खेमे में लेगी, लेकिन खाली फोकट में आप अपनी ओपिनियन किसी को दो मत। मैं तो कहता हूं उस ओपिनियन का पैसा कमा लो। कैसे? प्रोबो ऐप पर अपना ओपिनियन दो, अमीर हो जाओ। सिंपल सा काम करना है। प्रोबो ऐप जब डाउनलोड करोगे ना, तो वहां कई सारे इवेंट्स हैं। एक इवेंट में पूछा गया कि क्या श्रेयस अय्यर इस आईपीएल ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी होने वाले हैं क्या? हमारे हिसाब से हां, हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पंजाब, बेंगलुरु, कोलकाता जैसी टीम कप्तान तलाश रही है और श्रेयस अय्यर उनके लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट है। इसलिए मैंने यस पर ट्रेड किया है। अगर श्रेयस अय्यर इस ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए तो सिर्फ उनको नहीं, हमको भी पैसे मिलेंगे बाबा। कौन देगा? प्रोबो ऐप। इसी तरह से एक सवाल और है कि चेन्नई लॉर्ड शार्दुल ठाकुर को वापस खरीदेगी क्या? मुझसे पूछिए तो मेरी ओपिनियन में यह है कि चेन्नई अपने कोर प्लेयर ज्यादा से ज्यादा वापस लेने की कोशिश करेगी और लॉर्ड शार्दुल ठाकुर उनकी कोर टीम का हिस्सा है, इसलिए मैंने यहां पर भी यस में ट्रेड किया है। ऐसे बड़े सारे इवेंट्स जो आपको प्रोबो पर मिल जाएंगे, इसलिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करो और खूब सारा पैसा कमाओ। आगे बढ़ते हैं, मैच पे वापस आते हैं, क्योंकि शायद वेस्टइंडीज वालों का क्लीन स्वीप रोकने में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। मोहम्मद सिराज ने चौथे ओवर में होप का विकेट लेकर वेस्टइंडीज को निराश किया और फिर अल्जारी जोसेफ के डबल विकेट ओवर का जवाब दीपक चहर ने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर दे दिया। वेस्टइंडीज की टीम T20 मैच बहुत अच्छे खेलती है, तो उन्होंने सोचा कि वनडे में भी T20 खेल लेते हैं। क्रीज पर सिर्फ कप्तान निकोलस पूरन ही थोड़े कंफर्टेबल नजर आए। भारतीय गेंदबाजों ने आपस में मिल बांट के विकेट लेना जारी रखा। भारतीय टीम में वापसी कर रहे कुलदीप यादव ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए आज होने वाले ऑक्शन में अपने चांस को ब्राइट कर लिया है। 18 ओवर तक भारतीय गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज के 7 विकेट गिरा दिए थे, लेकिन लगातार तीसरी बार हाथी निकल गया और पूंछ बच गई। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि वेस्टइंडीज के आखिरी के बल्लेबाज अगर इतना अच्छा खेलते हैं तो वेस्टइंडीज वाले इन्हें ऊपर क्यों नहीं खिलाते हुए। खैर, ओडियन ने 18 गेंदों में 36 रन बनाकर आईपीएल के लिए एक बढ़िया ऑडिशन दिया, लेकिन वेस्टइंडीज वाले 169 रन बनाकर ऑल आउट हो गए और भारत 96 रन से मैच जीतकर सीरीज में भी सुपड़ा साफ कर गई। T20 मैचों के लिए कारवा कोलकाता की ओर कूच करेगा, लेकिन उससे पहले आज हम अपना रुख करेंगे बेंगलुरु की तरफ, जहां पर आईपीएल का ऑक्शन होने वाला है। आप भी डिस्क्रिप्शन में एक नजर मारना, वहां पर प्रोबो ऐप का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करना। आईपीएल ऑक्शन का मजा दुगना हो जाएगा। क्यों? यस या नो में ओपिनियन देकर ही आपको खूब सारा कैश जीतने का मौका मिलेगा। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करना, इंस्टाग्राम पे भी राम राम बोलना। जल्दी मिलेंगे आपसे एक और कड़क वीडियो के साथ। जी हां, ऑक्शन का पूरा हालचाल और बवाल लेकर कल मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद।
डॉट